सेमी सर्कल ऑफिस 15 और ये है विदाउट नंबर प्लेट की गाड़ी, ब्लैक कांच है, पूरा ब्लैक कांच और ये अंदर बैठे है कोई पुलिस ऑफिसर ना ही नंबर प्लेट है। रुक जाओ, गाड़ी में से बाहर निकलो, आप भी निकले। ये क्यों ब्लैक कांच रखा है और नंबर प्लेट क्यों नहीं है? कौन सा है वो? एडवोकेट मेहुल बोगरा। फोन को मत लेना। ब्लैक कांच क्यों रखा है गाड़ी में? आपको कान नहीं लगता? आपको ये ब्लैक कांच क्यों रखा है? हाँ तो नंबर प्लेट क्यों नहीं है गाड़ी में? गाड़ी में नंबर प्लेट क्यों नहीं है आपकी? आपकी ये नंबर प्लेट क्यों नहीं है इस गाड़ी की? कैमरा नहीं लेता? कैमरा नहीं हटता? फोन स्नैचिंग का केस डालूंगा आपके ऊपर। फोन क्यों लिया मेरा? फोन क्यों लिया मेरा? फोन क्यों? हाय, नंबर प्लेट क्यों नहीं है गाड़ी में नंबर प्लेट क्यों नहीं है? ये गलत काम नहीं है। देखो नंबर प्लेट नहीं है और ये कितनी होशियारी मार रही है। आप कह रहे हो होशियारी? नंबर प्लेट है इस गाड़ी में? नंबर प्लेट नहीं है ना गाड़ी में? पकड़ो। ये देखो ये कैसे होशियारी कर रहे हैं। गाड़ी में नंबर पे अभी कंट्रोल रूम में फोन करते हैं। हमने 100 नंबर पे फोन किया है कंट्रोल रूम में फोन किया है। रुके, आप गलत कर रहे हो। नंबर प्लेट नहीं है ना आपकी गाड़ी में? ये क्या है? स्विफ्ट गाड़ी में है नंबर प्लेट है। मैंने आपको बुलाया। मैं पुलिस कंप्लेंट डाल रहा हूँ। मुझे क्यों जवाब दे रहे हो? पुलिस को जवाब दे रहा? हाँ, मैंने क्या पूछा आपको कुछ? मैंने क्या पूछा आपको कुछ? हाँ, मैं दिखा दूंगा आपको। मैंने कंट्रोल रूम में फोन किया है, रुक जाओ। हाँ, तो मैं लीगल मुझे। हाँ, ये गलत काम नहीं है। काले कांच वाली गाड़ी। आप फोन स्नैच मत करना। हाँ बस, हाँ मैं पुलिस स्टेशन नहीं आऊंगा। चलो चलो, पहले तो मुझे पकड़ो। मेरा क्या क्राइम है वो बताएं? क्या क्राइम है? हाँ, ये काला शीशा वाला गाड़ी नहीं है। इनका कहने का मतलब एक गलत काम नहीं है। पुलिस का टैग रखना, होम मिनिस्ट्री से डायरेक्शन है कि काले शीशे वाली। देखो ये लोगों को कैसे भगा रही है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम में अभी फोन कर रहे हैं, आपके डीसीपी को फोन कर रहे हैं। रुकिए, हाँ डीसीपी साहब को ही फोन कर रहा हूँ, अमिता वनानी जी को। डीसीपी से अमिता वनानी को फोन किया अभी। फोन नंबर। हेलो कंट्रोल रूम, एडवोकेट मेहुल बोगरा बात कर रहा हूँ। हेलो। ए नंबर प्लेट, हेलो ए नंबर प्लेट वगैरह की गाड़ी और ए काले शीशे और ये गलत काम नहीं है। गलत काम नहीं है तो चलो। आप मुझे धक्का क्यों दे रहे हो? मैंने आपको बुलाया। मेरे पास क्यों आया? मैंने एक काले शीशे वाली गाड़ी को लिया। मैंने काले शीशे, मुझे धक्का क्यों दिया आपने? ये देखिए, चोरी के ऊपर सीना चोरी कैसे होती है? देखिए इतने सारे लोग हैं यहाँ पे हमारे समर्थन में और ए भाई, देखो ए भाई इनको पकड़ रहा है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम में अभी हम फोन लगा रहे हैं, ट्रैफिक हेल्पलाइन में। इतने लोग हैं हमारे समर्थन में, इतने लोग और ये सबको धमका रहे, सभी को। हेलो ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर, अभी हम सेमी सर्कल 15 ऑफिस पे है। यहाँ पे BRTS कॉरिडोर के अंदर एक काले शीशे वाली और नंबर प्लेट विदाउट की एक गाड़ी है। हेलो
हाँ, एक काला कांच वाली नंबर प्लेट वगैरह की गाड़ी छे, गाड़ी छे ए बाबते फरियाद छे, आप कोई ने भी ऑथोरिटी ने मोकलो नहीं यहाँ। हाँ सेमी सर्कल 15, हाँ सेमी सर्कल 15 ऑफिस। हाँ मारो नाम एडवोकेट मेहुल बोगरा। देखिए ये सभी को धमका रहे, सभी को, जितने भी लोग है ना सभी को धमका रहे, सभी को। ए भाई है और सुनिए सुनिए, एएसआई जी ये काले शीशे वाली गाड़ी है, इसमें नंबर प्लेट नहीं है, आपने इनके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं की? ये गाड़ी जो यहाँ पे, हाँ तो इनका इनका फाइन बनना चाहिए ना। हाँ तो इसका फाइन क्यों नहीं किया अभी तक आपने? ये आपकी चौकी के बाजू में खड़ी है ये गाड़ी, तो इसका फाइन होना चाहिए ना, तो इसका फाइन क्यों नहीं किया आपने? मैं बाजी नहीं, बाजी आपको काले शीशे में क्या पकानी है? काले शीशे में आपको क्या बाजी पकानी? ये देखो सबको सबको मारो मारो, इसको भी मारो मारो मारो, सबको धमका रहे हो, सबका धमके रहे, सबको मारो ना, सबको मारो ना। हाँ वो तो आपके आपका आपका एटीट्यूड दिखे, तुम तुम्हारी रोटी देखो, तुम तुम्हारी रोटी पका रहे हो। फोन को मत छूना, फोन को मत छूना, फोन को मत छूना, फोन को मत छूना साले। कितने लोग हैं? क्या क्या है? सभी यहाँ पे ही रहेंगे, रुको, सभी यहाँ पे ही रहेगा, सभी यहाँ पे ही रहेंगे। बोलो क्या करना है, क्या करना है? देखो सुनो सुनो, सुनिए सुनिए, उनका फाइन बनाइए, मैंने डीसीपी ऑफिस में कंप्लेंट डाली है, इसका फाइन डालिए आप, फाइन बनाइए, फाइन बनाइए। होशियारी इतने लोग हैं मेरे साथ, जो एक गाड़ी है हाँ, पर होशियारी मार रही है सालों को, काले शीशे वाली गाड़ी है, पूरी पूरी गाड़ी काले शीशे वाली है, पर हमको धमकाना है इन लोगों को, इतने लोग, इतने लोग विटनेस में, इतने लोग, इतने लोग, और साले चोरी करके सीना चोरी करते हैं, चोरी करना है और सीना चोरी करना है। क्यों भाग गया, कहाँ गया वो बुच्छड़? हाँ यहाँ पे देखो ये चोरी करके सीना चोरी करते हैं, चोरी करके हमको सिखाते हैं कि रोटी कैसे पकती है, काले शीशे में आपकी रोटी कैसे पकती है। आप तो होम मिनिस्ट्री को भी नहीं सुनते, आपके ऊपर अधिकारी को भी नहीं सुनते। होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि ब्लैक शीशे वाली गाड़ी नहीं रखनी है, होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि काले शीशे वाली गाड़ी। अरे तू आवाज नीचे रख, तू आवाज नीचे रख, तू आवाज नीचे रख, तू आवाज नीचे रख। तू तू किसको बोल रहा है? हाँ तूने कहा, तूने पहले बोला, तूने बोला, तूने बोला नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे यहाँ पे। ये बस यही आता है इन लोगों को, और जो काले शीशे में रात को जब काले शीशे वाली गाड़ियों में दारू पिया जाता है वो तो किसी को मालूम ही नहीं है, है? ये गाड़ी में काले शीशे क्यों रखे जाते हैं? इसलिए कि काले धंधे हो। ट्रैफिक कंट्रोल में फोन किया था, अभी तक एक भी व्यक्ति इसका चालान काटने नहीं आया, हम फिर से फोन कर रहे हैं ट्रैफिक कंट्रोल, इसका नंबर प्लेट भी नहीं है, इसमें काले शीशे है, और फिर से हमने ट्रैफिक हेल्पलाइन में फोन किया, गाड़ी चालू है। हेलो एडवोकेट मेहुल बोगरा, अभी तक यहाँ पे कोई चालान काटने नहीं है इस गाड़ी का,
तो कोई आव्यू नथी हजु एटले फोन कर्यो। ओके चलो देखिए एक चीज देखिए कि होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है कि पुलिस को काले शीशे और नंबर प्लेट विदाउट नंबर प्लेट की गाड़ी नहीं चलानी है, ठीक है। तो इसमें पुलिस का टैग भी रखना है, काले शीशे भी रखना है और नंबर प्लेट भी नहीं रखना है, ठीक है। चलो अब बेटा बेटा करके सबको भगा रहे, पहले चिल्ला लिया आप उसका मेरा मेरे बात सुनिए। और काले काले शीशे की जरूरत क्यों पड़ती है? काले शीशे के अंदर ज्यादा कमानी है, काले शीशे में। तो आप के सीनियर को मानते हो? बीजेपी ने ऑर्डर दिया है कि काले शीशे नहीं रखने, तो आप तो उनको नहीं सुनते तो मुझे क्या सुनोगे? आप डीजेपी सी को नहीं सुनते, होम मिनिस्टर सी को, हर संघवी जी को नहीं सुनते तो मुझे कैसे सुनोगे? ये गलत नहीं है, काले शीशे रखना। अब भाजी तो आप હેલો અત્યારે હું પૂના પોલીસ સ્ટેશન ની અંદર અને પૂના પોલીસ સ્ટેશન ની અંદર મને સીધી ધમકીઓ આપવામાં આવે છે મને બંધ કરવાની વાત થાય છે અને પોલીસ સ્ટેશનમાં અમે બંધ થઈ ગયા છે મારો ગુનો શું છે જણાવો મને બંધ કરવાનું તમે કીધું લોકઅપમાં પોલીસ સ્ટેશનમાં લોકઅપમાં નથી કીધું મેં લોકઅપમાં નથી કીધું તો શું બંધ કરો મને જણાવો કઈ રજૂઆત હોય હું પીએસઆઈ માં બેઠો મારી પૂરી ફરિયાદ આપી મારી ફરિયાદ કોઈ લખી નથી અને અત્યારે એ લોકો અહીંયા આવી અને મને ધમકી આપે છે કે તારી હજી સર્વિસ કરવાની છે તો પોલીસની નજર સામે મને આવી ધમકી આપવી તો ક્યાં મેં એવો કયો ગુનો કર્યો છે સાહેબ કે મને ધમકી આપવામાં આવે આ લેવલ સુધી અને પોલીસની હાજરીમાં ક્યાં બેઠા હતા હા પીએસઆઈ ની સામે મેં મારી ફરિયાદ આપી છે આખી મારી ફરિયાદ કોઈ અત્યાર સુધી થઈ દઉં હોબાળો એટલો થાય છે તો મારી ફરિયાદ તો નોંધો મારી ફરિયાદ તો નોંધો હોબાળો થતો હોય છે પણ એ લોકો આવ્યા કેટલા શાંતિ રાખો ને શાંતિ રાખો જો અમે કંઈક લખીએ ને અમે એ જ કહીએ છીએ તમે લખો ને તો કંઈક જો ત્રણ જણા આને રાખ્યા અમે ચાર જણા રહ્યા એ લોકોના ટોળું બહાર ઉભું એમને કોઈ નથી બહાર કાઢ્યું બધાને કાઢ્યા છે એડવોકેટ ચાલો હું ખુદ એડવોકેટ છું બાપુ